ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਏਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਬ ਕੰਡੇ ਬਣੀ ਇੱਕ 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਤਾਰਿਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਮਕ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰੈਸਕਿਊ ਫੋਰਸ NDRF ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। राहत ते बचाव कार्य पूरे होने वाले ने उथे ही हुण पुलिस प्रशासन भी हरकत दे विच आ गया है। पुलिस ने इस मामले दे विच 5 लोकां खिलाफ धारा 304 337 338 अते 34 दे तहत मामला दर्ज किया है। इस दौरान इमारत दे बिल्डर्स नू दोषी दसिया जा रहा है। इस संबंध दे विच रायगढ़ दे जिला अधिकारी ने दसिया कि बिल्डिंग दा निर्माण 2013 दे विच पूरा होया सी, यानी कि 10 साल पहला इस बिल्डिंग दा निर्माण पूरा होया सी। साल 2003 दे विच ही बिल्डिंग दा निर्माण पूरा होण दा सर्टिफिकेट भी दिता गया सी। उन्हां ने इमारत दे डिगण पिछे माड़े हालातां नूं वजह दस्सिया। जिक्रयोग है कि इस हादसे तो बाद जिला अधिकारी ने कहा सी कि इस हादसे लई जिम्मेवार लोकां खिलाफ कारवाई जल्द कीती जावेगी। दस दईए कि रायगढ़ दी इस इमारत विच 40 फ्लैट सन जिस विच लगभग 84 लोकां दे रहण दी गल कही जा रही है। हादसे दौरान 60 लोक पूरी तरह सुरक्षित रहे। 24 लोकां दे मलबे विच दबे होण दा खासा जाहर किया जा रहा है जिन्हां विचों 19 लोकां नूं मलबे विचों कढ़िया जा चुक्या है। NDRF अते स्थानक पुलिस ने मलबे तों 11 लोकां दीआं लाशां अते 8 लोकां नूं जिंदा बाहर कढ़िया। ब्यूरो रिपोर्ट, शान पंजाबी।